Welcome back to my channel, and today's topic is classification of vegetable crops, which is generally lecture 3 of fundamentals of horticulture. And as we discussed in case of classification of fruit crops, kingdom, division, subdivision, classes, all will remain same. Okay, what was the kingdom? Kingdom plantae. Division was spermatophyta. Subdivisions are angiospermae and gymnospermae. And under angiospermae, there are two classes, monocotyledonae and dicotyledonae. Okay, तो सबसे पहले मोनोकॉट्स की बात करते हैं. तो जब हम डायग्राम भी दिखाते हैं मोनोकॉट्स की, तो उसमें अनियन की ही डायग्राम होती है बेसिकली. बट मैं आपके लिए एक लेकर आई हूँ ट्रिक, इट्स कॉल्ड अड़ियल. ठीक है, तो एक मिथ है कि अगर सिंगल बच्चा हो, एक ही बच्चा हो पेरेंट्स का, तो वो थोड़ा अड़ियल किस्म का होता है, थोड़ा जिद्दी होता है. ओनली मिथ, आई नो ऐसा कुछ नहीं होता है, पर हाँ ऐसे एक मिथ होती है. तो हम इसी मिथ पे चलेंगे और हमने मोनोकॉट का बना लिया है अड़ियल. ठीक है, उसमें जो फर्स्ट ए है वो है एलिएसी. तो उसकी डायग्राम में भी अनियन होता है. एलिएसी इज अनियन की फैमिली. अनियन, गार्लिक, लीक, शैलेट, जो भी ये सब, ये सारी मोनोकॉट्स में आती है. सेकेंड ए इज अरेसी. जितनी भी ट्यूबर क्रॉप्स है मोस्टली, ठीक है, कसावा वगैरह को छोड़ के, जो मोस्टली हमारे ट्यूबर क्रॉप्स है वो. ओके, और उसके बाद आता है डी. डी फैमिली डायस्कोरिया में आता है याम. ठीक है, याम. तो याम के क्या टाइप्स होते हैं? ग्रेटर याम, लेसर याम, वाइट याम. ठीक है, तो ग्रेट, लेस क्या होते हैं? स्कोर होते हैं ना. या तो आपके स्कोर जो है वो बहुत ग्रेट होंगे, या तो आपके स्कोर लेस होंगे. तो जहां पे ग्रेटर याम, लेसर याम है, तो मतलब उसका जीनस है डायस्कोरिया और फैमिली है डायस्कोरिएसी. तो इससे आप याद रख सकते हो स्कोर से रिलेट करके कि याम की फैमिली है डायस्कोरिएसी. ठीक है, उसके बाद एल. ये तो नेट में, ये इस बार का लेटेस्ट नेट में क्वेश्चन आया था कि एस्पैरागस नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोकॉट वेजिटेबल. ठीक है, तो उसमें कभी कभी फैमिली भी पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली कम्स अंडर मोनोकॉट्स. ओके, सो फैमिली अरियल का एल से लिलिएसी और एस्पैरागस. और उसमें एक ऑप्शन मोरिंगा का भी आया था, तो वो भी कंफ्यूज कर जा. मोरिंगा की फैमिली मोरिंगेसी, जबकि मोनोकॉट में अड़ियल है, तो अड़ियल में एम का कोई नहीं है, तो मोरिंगेसी नहीं होगी. उसमें ड्रम स्टिक मोरिंगा नहीं होगा, क्या होगा? लिलिएसी, एस्पैरागस, या तो फिर अनियन की फैमिली होगी एलिएसी, या तो अरेसी होगी ट्यूबर्स. और ये है पिक्चर डिफरेंट ट्यूबर क्रॉप्स की. यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि याम कैसा दिखता है, कोलोकेशिया, टारो सब एक जैसे ही दिखते हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी. उसके अलावा याम और स्वीट पोटैटो, वो उसका डिफ्रेंशिएशन मैं आपको बताती हूँ. याम और स्वीट पोटैटो, जो स्वीट पोटैटो है थोड़ा स्मूथ होगा, और याम का फ्लेश जो है वो टेक्सचर होगा, स्मूथ नहीं होगा. ठीक है, और बाघ के जैसा होगा वो. ठीक है, उसके बाद क्लास कर लिया हमने, फैमिलीज कर ली, अब जीनस और स्पीशीज बचते हैं. तो रिकॉल कर ले इनको. फर्स्ट फैमिली एलिएसी, और उसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट मेंबर अनियन. एलिएसी फैमिली का सबका जीनस एलियम होगा. ओके, तो हम स्पीशीज पे आते हैं. और स्पीशीज के बाद क्या होती है? बोटैनिकल वेराइटीज होती है. टू टाइप्स होते हैं, एक तो आपकी होती है फार्मर्स की वेराइटी, ब्रीडर्स की वेराइटी, कल्टिवेटेड वेराइटीज, और एक होती है बोटैनिकल वेराइटीज. ठीक है, जो हम यहाँ पे स्पीशीज के आगे मेंशन करते हैं. सो फर्स्ट इज अनियन, विच इज एलियम सेपा. सेकेंड इज गार्लिक, विच इज एलियम सेटाइवम. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट इज लीक, विच इज एलियम पोरम या एलियम एम्पैलोप्रासम. उसके बाद बोटैनिकल वेराइटीज पे आते हैं अनियन की. तीन हमने मेजर कर लिए, एलियम सिपा, एलियम सेटाइवम, एलियम पोरम, या फिर जगह पे आता है एम्पैलोप्रासम. ठीक है, अब अनियन में आता है मल्टीप्लायर अनियन. ठीक है, मल्टीप्लाई करता 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 क्या होता है? वो जुड़ता जाता है, एग्रीगेट. सो मल्टीप्लायर अनियन इज एग्रीगेटम वेराइटी, एग्रीगेटम. उसके बाद है ट्री अनियन, तो ट्रेटी विवी पैरम. बाद है वेल्श अनियन. ये मैंने कैसे याद रखा था मैं आपको बता देती हूँ. वेल्श और फिस्टू, तो मैंने वेल्श का एस एच और फिस्टू का आई सॉरी और फिस्टू का एफ आई, ठीक है, मिला के मैंने फिश बना दिया था इसको. तो एक टाइम आएगा आपको ये वो लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वेल्श फिस्टू, आपको याद रहेगी चीजें, क्योंकि एक बार आपके दिमाग में जब आ जाती है चीजें. अभी स्टार्टिंग में अगर आपको बहुत ही कंफ्यूजन होता है, मुश्किल होती है, तो उसके लिए ये ट्रिक्स है. नेक्स्ट है शैलेट. ठीक है, शैलेट का मैंने कैसे याद रखा था? शेल एस्केल, एस्केलोनिकम. तो मैंने क्या रखा था? शेल एस्केल. ठीक है, ऐसे रिलेट कर लिया है. स्कोइनोप्रेसम, तो उसमें सच आता है. ठीक है, एस सी एच, और चाइज में भी सी एच आता है, तो रिलेट. एंड कुरेट इज कुरेट. नाउ नेक्स्ट इज अरेसी फैमिली.
तो अरेसी फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट है कोलोकेशिया। कैसे याद रखना है? स्कोर से याद रखिए आपने याम, याम के अलावा जितने भी है ना, कोलोकेशिया है, फिर जाइंट तारो है, टैनिया है, एलिफेंट फुट याम है इनफेक्ट, ठीक है। जो याम है दैट इज डायस्कोरिएसी, और जो एलिफेंट फुट याम है दैट इज अरेसी, नॉट अरेकेसी। अरेका नट डेट पाम वाला नहीं है ये, अरेसी है ये, ठीक है। ARACEAE, इसको अरबी भी बोलते हैं और भूंदा भी बोलते हैं। इसकी दो वेराइटीज, बोटेनिकल वेराइटीज हैं, एंट्रिक्योरम एंड ग्लोबियोली फेरा, एडोटाइप एंड दशीन टाइप। अब तार कोल होती है ना, कोल तार, तार कोल, कुछ लोग तार कोल बोलते हैं हिंदी में, कुछ कोल तार बोलते हैं। तो कोल इज कोलोकेशिया एंड तारो इज तार, तो इससे आप बहुत इजीली याद रख सकते हो। और फैमिली तो आपको याद ही रहेगी, क्योंकि याम के अलावा जितनी भी हैं वो क्या है, अरेसी फैमिली की है। और एक फैमिली कसावा की आती है, जो बहुत से लोगों को नहीं आती होती है, तो कसावा की फैमिली यूफोरबियेसी होती है। ओके, एडो दशीन एंड टैनिया। टैनिया को और क्या बोलते हैं? मलंगा। एडो टाइप को क्या बोलते हैं? अरवी। और दशीन को क्या बोलते हैं? बूंदा। राइन तारो, स्वाम तारो और टैनिया, एलिफेंट फुटियाम, ये सारे क्या होते हैं? अरेसी फैमिली के होते हैं। डायस्कोरिएसी का मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट इज ग्रेटर याम, तो ग्रेटर से कैसे याद रखना है? तो ए ग्रेड आता है ना, तो उसको बोलते हैं ग्रेट स्कोर है, ठीक है। तो जो ग्रेटर याम है इट्स अलाटा, ए से स्टार्ट होगा, अलाटा, ठीक है। और जो लेसर है वो एस्क्यूलेंटम, इसमें एल ही है ना, एस्क्यूलेंटम, सो इट्स लेसर लेंटम, ऐसे रिलेट कर लेना है। उसके बाद बचा रोटुंडाटा, ठीक है। इसमें मैंने रोतू रोतू से याद रख लिया है, कि जब हम रो के हटते हैं तो हमारा फेस ज्यादा वाइट वाइट लगता है, मतलब मेरा तो लगता है, बाकी पता नहीं। मतलब हम इस रोटुंडाटा जैसे भी आप अनाउंस करते हैं। लास्ट वन इज रेडियल का एल, विच इज लिलिएसी, एस्पेरागस। और एस्पेरागस और एमेरेंथस में भी कई बार कंफ्यूजन होता है। तो एमेरेंथस से आपने पढ़ा होगा, ग्रेन एमेरेंथस है ना, चोलाई इज एमेरेंथस। और जो एस्पेरागस है वो स्पीयर्स वाला, एस्पेर, ठीक है, स्पेयर और स्पियर। एस्पैरागस का क्या होता है? एडिबल पार्ट, स्पियर्स होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं डाइकॉट पे, ठीक है, जिसमें मोस्टली सारी वेजिटेबल्स होती हैं। जो मेन 18 फैमिलीज हैं जो हर बुक में मेंशन होती हैं, तो वो मैंने की हुई है। सो 18 में सबसे पहले ए पे चलते हैं। सो ए से हो गया एजोएसी, तो एजो, जेड, AIZOA, एजोएसी है, पहले एजोआ लिख लो, AIZOA, एजोआ, और CEA अलग कर लो, बन गई स्पेलिंग। और इसमें जेड है ना, जेड, इसको न्यूजीलैंड वाला जेड मिला लो। एजोएसी फैमिली किसकी है? न्यूजीलैंड स्पिनेच की, ठीक है। और सेकंड ए से एजोएसी हो गया, एक से फिर ए से आ गया एमेरेंथेसी, बी से बसेलेसी, बसेलेसी, बसेला होता है ना, मालाबार स्पिनेच, उसकी फैमिली। उसके बाद सी से चिनोपोडियेसी, कुकुरबिटेसी, क्रूसीफेरे, कॉनवॉल्व्यूलेसी, ये सब फैमिली सी से हो गई। डी से डायस्कोरिएसी, मोनोकॉट में थी। ई से यूफोरबियेसी आ गई, इसकी कसावा, सावा के अलावा होती है चिकुरमेनिस की। चिकुरमेनिस भी एक इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन बनता है इससे? मल्टी वाइटमिन वेजिटेबल है ये, ठीक है। उसके अलावा अभी हम रिकॉल कर लेते हैं स्पीशीज और जीनस, ठीक है, फैमिली का। कुकुरबिटेसी है, ठीक है, सबसे बड़ी फैमिली है। तो अब रिकॉल कर लेते हैं नेम्स। फर्स्ट इज मोनोकॉटिलेडोनिक क्लास एंड फर्स्ट फैमिली इज एलिएसी। फर्स्ट इज अनियन, विच इज एलियम सेपा। मल्टीप्लाई अनियन, विच इज ऑल्सो नॉन एज पोटैटो अंडरग्राउंड और इजिप्टियन अनियन। इट्स वेराइटी एग्रीगेटिव। क्रोमोजोम नंबर ऑफ ऑल द एलिएसी फैमिली इज 16 एक्सेप्ट लीक, चाइव एंड कुरट। ओके, सो ट्री अनियन और टॉप अनियन इट्स वेराइटी विविपैरम। वेल्श अनियन इट्स फिस्टुलोसम। पिंक अनियन इज सेलनम। गार्लिक इज एलियम सटाइवम। लीक इज एलियम पोरम और एलियम एम्पेलोप्रासम। शैलेट, विच इज ऑल्सो नॉन एज पेरिनियल अनियन, बिलोंग्स टू स्पीशीज एस्केलोनिकम। चाइव इट्स कोइनोप्रासम। कुरट एलियम कुरट। सेकेंड फैमिली इज अरेसी। हियर फर्स्ट वन इज तारो अरवी, विच इज कोलोकेशिया एस्क्यूलेंटा। क्रोमोजोम नंबर 24 और 42। एडोटाइप तारो हैज वेराइटी एंटीक्वेरम एंड दशीन टाइप तारो इट्स वेराइटी ग्लोब्यूली फेरा। जाइंट तारो इज एलोकेशिया मैक्रोराइजा। क्रोमोजोम नंबर 26, 28। स्वाम तारो इट्स काइटोस्पर्मा कैमिसोनिस, 26 और 28 क्रोमोजोम नंबर। टैनिया इट्स जैंथोसोमा सेगेटिफोलियम, क्रोमोजोम नंबर 26। एलिफेंट फुटियाम इट्स अमॉर्फोफेलस
campanulators, 26 or 28 chromosome number. Next is family Dioscoriaceae, which is yam. Dioscoria species, greater yam is Dioscoria alata, lesser yam is Dioscoria esculenta, white yam is Dioscoria rotundata. And chromosome number of all these species is 40. Basically, yam has variable chromosome number from range 30 to 80. Okay. The last one under monocots is Liliaceae family, asparagus, asparagus officinalis, chromosome number 20. Now, dicots, under dicots, first family is Azoaceae, common name New Zealand spinach, Tetragonia, tetragonioids, chromosome number 32. Next family is Amaranthaceae, Amaranthus, Amaranthus species, 32. Basaliaceae, Malabar spinach, Basala rubra, 24. Next family is Apiaceae. First one is carrot, Docus carota, 18. Celery, Apium graveolens, 22. Celeriac, it's Apium graveolens variety, Rapaceum. Chromosome number of all the vegetable belongs to Apiaceae family is 22 except carrot. Botanical variety of leaf celery is Sicalinum. Parsley is Petrosalinum crispum. Turnip rooted parsley is Tuberosum. Parsnip is Pastinaca sativa. Turnip rooted chervil is Caryophyllum valvosum. Skirret is Cium sisarum. Coriander is Corianderum sativum. Okay, so it is also important, coriander ki family is Apiaceae. Now next family is Chinoporiaceae. First one is beetroot, Vita vulgaris 18. Palak, also known as beet leaf, Vita vulgaris var bengalensis. Swiss chard is variety Sisla. Spinach is Spinacea oleracea. Okay, now beetroot, palak, Swiss chard have chromosome number 18. Spinach have chromosome number 12. And French spinach, which is also known as chuckwool, Atriplex hortensis, have chromosome number 12. Now, sweet potato, its family is also important. The family is Convolvulaceae, Ipomia batatus, and chromosome number is 90. Next family is Compositae. First one is lettuce, Lectuca sativa, chicory, Chicorium intivus, endive, Chicorium endivia, globe artichoke, its Cyanara scolymus, and Xerusalem artichoke, which is Helianthus tuberosus. Nautios, chicory and dive have chromosome number 18. Globe artichoke have chromosome number 34. And Jerusalem artichoke has chromosome number 108. ठीक है, तो एक confusion यहाँ पे होता है globe artichoke और Jerusalem artichoke के बीच में. ठीक है, दोनों artichoke हैं, but दोनों बहुत different हैं. जो globe artichoke है, उसका edible part flowers हैं, और जो Jerusalem artichoke है, उसका ट्यूबर्स है एडिबल पार्ट. ओके, तो कैसे याद रखना है इसमें, जेरू में यू है और ट्यूबर में भी यू है. ठीक है, तो जो ट्यूबरोसिस वाला है, हेलियंथस ट्यूबरोसिस, वो इसका है, जेरुसलेम आर्टिचोक का है. और ग्लोब, ग्लोब मतलब ग्लोब जो ऊपर जैसा होता है ना, ग्लोब वो ऊपर होता है, फ्लावर्स भी ऊपर होते हैं, तो फ्लावर्स किसका है, ग्लोब आर्टिचोक का, फ्लावर हेड्स बेसिकली. ठीक है, वो किसका है, ग्लोब आर्टिचोक का. ठीक है, नेक्स्ट इज क्रूसीफेरे, जिसको कोल क्रॉप्स भी बोलते हैं, ब्रासिका ओलेरेशिया. सो इसमें भी बोटानिकल वेराइटीज हैं, कैबेज की है वेराइटी कैपिटाटा, कॉलीफ्लावर की है बोट्राइटिस और सबाउदा, ब्रूसल स्प्राउट की है जेमीफेरा, स्प्राउटिंग ब्रोकली इट्स इटालिका, नोल खोल इट्स कॉन्गिलोट्स या कोलोरापा, केल कोलाट, केल और कोलाट इज वेराइटी एसीफेला. और नेक्स्ट इज अंडर क्रूसीफेरे, इट्स ब्रासिका कंपेस्ट्रिस. अंडर कंपेस्ट्रिस इज चाइनीज कैबेज, सब स्पीशीज पेकिनेंसिस. And Chinese cabbage Pak Choi, its subspecies Chinensis. Okay, and turnip. Okay, turnip, its subspecies Rapifera, or variety Rapa. Chinese cabbage and turnip both have chromosome number 20. Next under Cruciferae, it's radish, Raffinus scudatus, 18. Horse radish, Armoracea rusticana, 18. Chinese kale, its Brassica albuglebra, 20. Rutabaga, its Brassica napobrassica, 38. वाटर स्ट्रेस, या हम वाटर स्ट्रेस को ब्रह्मी साग भी बोलते हैं, विच इज नस्टर्टियम ऑफिसिनेल, क्रोमोसोम नंबर 32. गार्डन स्ट्रेस इज लेपिडियम सेटाइवम, 16 और 32 क्रोमोसोम नंबर. सी केल इट्स क्रेम मेरिटमा. सो इस लॉट में से एक हॉर्स रेडिश, उसका क्वेश्चन आता है. ठीक है, सबसे पहले तो जो हॉर्स रेडिश होती है
उसके कौन से जो एडिबल पार्ट है, पॉड्स इसके एडिबल होते हैं, एंड सेकेंड इसका क्रोमोसोम नंबर आता है, सॉरी नॉट क्रोमोसोम नंबर, इसका बोटैनिकल नेम आता है। तो बोटैनिकल नेम कैसे याद रखेंगे, जो हॉर्स होते हैं ना उनको हम रेस में यूज करते हैं, रेसिंग में यूज करते हैं, आर्मोरेसिया है ना। तो जहाँ पे रेस से आपको रिलेट करना है, जहाँ पे रेस हो जाएगा ना ऑप्शन में, या तो फिर याद तो ऑब्वियसली पूरा करना ही पड़ेगा, और ऑप्शन में तो फिर सॉर्टेड है, सबसे कॉल करते हैं। नेक्स्ट फैमिली इज कुकुरबिटेसी फैमिली, विच इज द लार्जेस्ट फैमिली। सो फर्स्ट इज कुकुम्बर, क्यूक्यूमिस सताइवस 14, गेरकिन, क्यूक्यूमिस अंगूरिया 24, मस्क मेलन, क्यूक्यूमिस मेलो 24। सो दीज थ्री बिलोंग्स टू जीनस क्यूक्यूमिस। नाउ नेक्स्ट इज सिट्रुलस। सिट्रुलस जीनस में दो आते हैं, वाटरमेलन एंड ब्राउन मेलन। ओके, सिट्रुलस लेनेटस इज वाटरमेलन हैविंग क्रोमोसोम नंबर 22। राउंड मेलन इज सिट्रुलस लेनेटस वेराइटी फिस्टुलोसस विच इज 22। तो जो कुकुरबिटेसी फैमिली है वो काफी बड़ी फैमिली है, तो उसके क्रोमोसोम नंबर भी थोड़े वेरी करते हैं। सिट्रुलस वाले हैं उसका 22 है, मॉडल गॉड का भी 22 है। जो क्यूक्यूमिस वाले हैं, क्यूक्यूमिस वाले कौन से होंगे हमारे, मस्क मेलन होगा, ठीक है, गेरकिन होगा, वो 24 है, और एक एक्सेप्शन है कुकुम्बर का, वो 14 ही है, अदरवाइज 24। और 22 वाले जो है वो सिट्रुलस है। पम्पकिन एंड स्क्वैशेस है उसका 40 है सबका, समर स्क्वैश, विंटर स्क्वैश, पम्पकिन, इन सबका 40 है, ठीक है, रिकॉल करें हम नाम। सो पम्पकिन इज कुकुरबिटा मोस्टाटा, समर स्क्वैश इज कुकुरबिटा पेपो, विंटर स्क्वैश इज कुकुरबिटा मैक्सिमा, बफेलो गार्ड इज कुकुरबिटा फिसिफोलिया, बॉटल गार्ड इज लेगनेरिया साइसरेरिया, इट्स क्रोमोसोम नंबर इज 22। जब कुकुरबिट्स पे पढ़ेंगे तब भी मैं रिकॉल कराऊंगी आपको, पर अभी इसमें से एक और क्वेश्चन बनता है, लेगनेरिया साइसरेरिया जो बॉटल गार्ड है ना वो उसका एक ही स्पीशीज है। तो क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा जीनस है कुकुरबिट्स में जिसकी सिर्फ एक ही स्पीशीज है, सिंगल स्पीशीज है, वो क्या है हमारा, बॉटल गॉड की, ठीक है, क्योंकि एक ही है लेगनेरिया का, और तो कोई देखा नहीं आपने स्पीशीज है ना, तो ये सिंगल स्पीशीज है। नेक्स्ट इज जीनस मोमोडिका, इट्स बिटो गॉड मोमोडिका चरेंशिया, सम एप्पल इट्स मोमोडिका बालसेमिना, एंड जाइंट स्पाइन गॉड इट्स मोमोडिका कोचिन चेनेंसिस। नाउ नेक्स्ट जीनस इज लूफा विच बिलोंग्स टू रिज गॉड एंड स्पॉन्ज गॉड। इन रिज इट्स रेक्टेंगुलर स्पीशीज, इन स्पॉन्ज इट्स सिलेंड्रिका स्पीशीज। नेक्स्ट जीनस इज ट्राइकोसेंथिस पॉइंटेड गॉड, ट्राइकोसेंथिस डायोइका 22, स्नेक गॉड इज ट्राइकोसेंथिस एंग्विना विच इज 22। नेक्स्ट इज कॉक्सिनिया विच इज आईवी गॉड और लिटल गॉड, कॉक्सिनिया ग्रैंडिस क्रोमोसोम नंबर 24, वेक्स गॉड इज वेनिन कासा हिस्पिडा क्रोमोसोम नंबर 24। नेक्स्ट जीनस इज सेकियम चाओ चाओ, इट्स सेकियम एड्यूल क्रोमोसोम नंबर 28। नेक्स्ट इज मीठा करेला जिस साइक्लेंथेरा पिडाटा क्रोमोसोम नंबर 32। ये है पिक्चर्स कुछ कुकुरबिट्स की, ऑब्वियसली ये थोड़े सेम भी लग रहे हैं क्योंकि फैमिली तो सेम ही है, सेम बट कुछ डिफरेंट भी है, कुछ वेरिएशंस भी हैं विद इन फैमिली, विद इन स्पीशीज भी वेरिएशंस होती हैं, कलर्स की वेरिएशंस होती हैं। नेक्स्ट फैमिली इज यूफोर्बियेसी, कसावा मेनीहॉट एस्क्यूलेंटा 36, एंड चिकुरमैनिस सोरोप्सिस एंड्रोगाइनस। नेक्स्ट इज लेबिएटे चाइनीज पोटैटो कोलियस पार्विफ्लोरस, चाइनीज आर्टिचोक इट्स टैचिस साइवेल्टी। नेक्स्ट इज ओकरा बेलमोस्कस एस्क्यूलेंटस क्रोमोसोम नंबर 130, ड्रमस्टिक मोरिंगा मोरिंगा ओलिफेरा, एंड कड़ी लीफ मुराया कोएंजाय क्रोमोसोम नंबर 18। तो यहाँ पे है ये कसाबा की पिक्चर, ठीक है, तो तारो वाला टी हो गया कोल तार वाला, ठीक है, उसके बाद ये जो टी बचा टेपियोका था, सो इसको आप याद रखोगे कंटाप से, ठीक है, कंटाप का सी ए इज कसावा, टाप इज टेपियोका, ठीक है, कसावा टेपियोका। चिकुरमैनिस देख लिया ऐसा होता है, चिकुरमैनिस मल्टीविटामिन वेजिटेबल है, इसको अंडर एक्सप्लॉयटेड भी बोल सकते हो आप। सो दीज आर चाइनीज पोटैटोज एंड दिस इज मोरिंगा, MD कंपनी का MD होता है ना, कंपनी का MD होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर MD होता है ना, तो मोरिंगा ड्रमस्टिक, ऐसे याद रख लेना आप, यही बचा है याद रखने के लिए, ड्रमस्टिक इज मोरिंगा। नेक्स्ट फैमिली इज लेग्यूमिनेसी, गार्डन पी पाइसम सटाइवम वार हॉर्टेंस 14, फ्रेंच बीन इज फेजियोलस वल्गैरिस 22, लीमा बीन इज फेजियोलस लिनिटस 22, लवलव बीन इज लवलव परप्यूरियस 22, क्लस्टर बीन इज साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस 14, विंट बीन इज सोफोकार्पस टेट्रागोनोलोबस इट्स 22, ब्रॉड बीन इज विसिया फेवा 12, कॉपी इज विग्ना उन्ग्रिकुलाटा 22,
Yam bean is Pachyrhizus erosus 22. Fenugreek is Trigonella foenum gracilis. Next is Solanaceae family. First is potato, Solanum tuberosum. 2N is equal to 4X is equal to 48. Tomato is Solanum lycopersicum 24. Now its botanical varieties. Cherry tomato is variety Cerasiforme. Pear tomato is variety Pyriforme. Common tomato is variety Commune. Potato leaf type is variety Grandifolium. Upright tomato is variety Velidium. Brinjal is Solanum melongena 24. Chili is Capsicum fruticans 24. Capsicum is Capsicum annuum. Bell pepper is 24. Next family is Polygonaceae, also tetrapolite. Rheum repenticum 44. Sorrel. Sorrel, जिसको खट्टा पालक भी बोलते हैं, it's Rumex vesicarius. The last one is Portulacaceae, which is buckwheat, Phagopyrum tataricum, chromosome number 16, and Ceylon spinach, which is Stellinum triangulare. Now next is based on edible parts. First one is flower, it's agathe, which is also known as West Indian pea, and pumpkin, it's male flowers that are edible. Next is flower head. And the examples are sprouting broccoli and globe artichoke. Now, pre-floral apical meristem, which is cauliflower and it is called curd. Modified above ground stem, nolkhol and asparagus. In case of asparagus, it is called spears and in case of nolkhol, it's called nodes. Now, next is modified stem, it's potato and Jerusalem artichoke, yam, taro. इनके केस में हम बोलते हैं ट्यूबर्स और नाउ अनियन इट्स ऑल्सो मॉडिफाइड स्टेम विच इज नॉन एज बल्ब एंड इन केस ऑफ गार्लिक इट्स क्लोव्स नेक्स्ट इज मॉडिफाइड रूट एंड द एग्जाम्पल्स आर रेडिश कैरेट बीटरूट टर्निप एंड स्वीट पोटैटो ओके सो स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड रूट मॉडिफाइड टैप रूट एग्जाम्पल इज चाइनीज आर्टिचोक मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट इज चाइनीज पोटैटो And under fruits, it's brinjal, tomato, chili, pea, beans, cucurbits, okra. Now next is corm. Examples are colocasia and elephant foot yam. Next is based on edible portion. पहले तो था मतलब name of the edible part. अब उसमें से भी जैसे जो fruit है उसका भी edible portion, mesocarp, endocarp, pericarp, placentae, वो सब है उसके basis. Let's recite the examples. So first is placentae. प्लेसेंटे हम किसका कंज्यूम करते हैं कुकुम्बर एंड वाटरमेलन ओके मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ हियर हियर यू कैन सी प्लेसेंटे आप रिलेट करो आप ये चीज खाते हो ना कुकुम्बर में ये चीज खाते हो वाटरमेलन में ये चीज खाते हो नेक्स्ट इज एंडोकार्प एंडोकार्प किसका खाते हो रिज कॉर्ड का स्पॉन्ज कॉर्ड का और एश कॉर्ड का ठीक है पिक्चर अब इसके जो ये बीच वाला पोर्शन है ना आप सिर्फ वही खाते हो ठीक है जो एक्सोकार्प होता है इसका बाहर की लेयर है वो भी निकाल देते हो आप है ना पूरा निकाल देते हो ना सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एंडोकार्प अंदर का चीज खाते हो एंडोकार्प अंदर का जो भी होता है वो खाते हो ना सो ये तीन एग्जाम्पल्स हैं एंडोकार्प के नेक्स्ट इज मीजोकार्प एंड पेरिकार्प इसके एग्जाम्पल्स हैं मस्कमेलन एंड पम्पकिन यहाँ पे आपको सारे पार्ट्स दिख रहे हैं क्या है मीजो पेरिकार्प इसका प्लेसेंटा थोड़े ना खाते हो उसका बीच का वो निकाल के फेंक देते हो ना प्लेसेंटा नहीं खाते हो जबकि कुकुम्बर का आप कंज्यूम कर लेते हो नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन सारी बुक्स में जो भी क्लासिफिकेशन है उसमें टोमेटो ब्रिंजल चिली कैप्सिकम कुकुर्बेस इनफेक्ट ऑल लेग्यूमिनस क्रॉप एक्सेप्ट ब्रॉड बीन वो सारी वार्म सीजन वेजिटेबल्स में आती है सो लेट्स रिसाइट द एग्जाम्पल्स नाउ अंडर कूल सीजन वेजिटेबल्स It's first is coal crops, cauliflower, cabbage, Chinese cabbage, nolkhol, Brussels sprout, sprouting broccoli and kale. Bulb crops, onion, garlic, leek, shallot, chive. Root crops, radish, carrot, turnip, beetroot. Leafy vegetables, palak, spinach, fenugreek. Palak can tolerate high temperature but it comes under cool season. And fenugreek, lettuce, celery, chicory, rutabaga. Tuber crops is taro, leguminous crop is broad bean and pea also. Solanaceous crops mein potato. Potato is a cool season vegetable. Now warm season vegetable, as I told you, tomato, brinjal, chili, capsicum, all beans except broad bean, cucurbits, leafy vegetables mein drumstick, Indian spinach, portulaca. Tuber crops mein sweet potato, cassava, amaranthus, elephant foot yam. Next is based on photoperiod, it's short dip, undershot. Next is based on photoperiod, undershot dip plants.
It's SA short, SA sweet potato. So sweet potato, cluster bean, winged bean, dolichos bean, Indian spinach, garlic, yam bean, potato for tuberization. It's a short day, okay? And under long day, potato for growth. Potato in general is a long day plant, okay? But for tuberization, it's a short day plant. Next example is onion, lettuce, cabbage, cauliflower, nolkol, radish, carrot, turnip, beetroot, spinach, palak, jack bean. Okay, so here winged bean is short. Okay, so winged hamare par zyada bade nahi hone chahiye, chote hi hone chahiye. Okay, jinko zyada par lag jate hain na, wo sahi nahi rehte, to par chote hi hone chahiye. To winged is short day, aur uske opposite mein jack is long day. Jack bean is long day. Next is day neutral plants. It's tomato, brinjal, chili, okra, sweet pepper, amaranthus, asparagus, cowpea, french bean and cocoa beans. Next is based on photosynthesis. Under C3 plants, examples are tomato, potato, sweet potato, carrot, beetroot or sugar beet and lettuce. And C4 plants, it's amaranthus, globe artichoke, basila, red cabbage. C3 प्लांट्स होता है जिनका फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो फर्स्ट कार्बन कंपाउंड बना होता है उसमें 3 कार्बन एटम्स होते हैं, और C4 में क्या होता है, 4 कार्बन एटम्स होते हैं. और CAM प्लांट्स क्या होते हैं, जिसमें कैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, और इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन अप ओनली एट. नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन इन्फ्लोरेसेंस. रेजिमे एग्जाम्पल्स आर रेडिश, ठीक है, RA इज रेजिमे, RA इज रेडिश. रेडिश के साथ कौन मिलते हैं, कोल क्रॉप्स, ठीक है, कोल क्रॉप्स और रेडिश थोड़े सेम ना, क्रूसीफेरे के, तो रेजिमे सेम फैमिली का सेम इंफ्लोरेसेंस होगा. और सी से कोल क्रॉप के साथ सी से कुकुरबिट्स भी जोड़ दो, इन सब का रेजिमे है. ई से टर्मिनल और ये जो टर का आर है, इस रेजिमे टर्मिनल रेजिमे इज टर्निप. नाउ रेज मोस, ठीक है, मोस आ गया, तो नोलकोल, ब्रुसेल्स स्प्राउट, कसावा. साइन रेजमोस इज कसावा, नोलकोल, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स. Sign, it's spinach, sweet potato, brinjal, cauliflower. Now, tomato. जो tomato है, इसका पूछ लेते हैं, इसका type of inflorescence, rhizomous, sign, दोनों का है. Farfetch, rhizomous, sign. And under cymose is sprouting broccoli. Panicle is PA से panicle, PA से पालक, और पालक के साथ moringa. Auxiliary panicle, it's yam के male flowers, और auxiliary spike is yam का फीमेल फ्लावर्स, ठीक है, तो स्पाइक एस से स्त्री, तो स्त्री इज फीमेल, तो स्पाइक होगा फीमेल फ्लावर्स का, एंड पैनिकल इज ऑफ उसका अपोजिट, मेल फ्लावर्स, ठीक है. और वैसे स्पाइक किसका होता है, बीट रूट का होता है. स्पेडिक्स होता है टारो एलिफेंट फुट याम का. सिंपल अम्बल होता है अनियन का. कंपाउंड अम्बल होता है कैरेट एंड कोरिएंडर. कैप्यूटिलम इज द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ लेटस. नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन पॉलिनेशन मैकेनिज्म. टोमेटो, पी एंड बीन्स, लेटस एंड फेनुग्रीक आर सेल्फ पॉलिनेटेड. ओकरा, ब्रिंजल, चिली एंड लीमा बीन आर ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स. एंड कोल क्रॉप्स, रूट क्रॉप्स, अनियन, कुकुरबिट्स, दे ऑल आर क्रॉस पॉलिनेटेड. वेजिटेटिव प्रोपिगेटेड, इट्स पोटैटो, गार्लिक, टेपियोका एंड याम एंड स्वीट पोटैटो. नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलिनेशन. एनिमोफिली, हवा से, तो एनिमोफिली में आते हैं स्पिनच. बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है ये स्पिनच एनिमोफिली वाला. और स्पिनच के साथ उसके साथ मिलता जुलता उसका भाई पालक, बीटरूट एंड एमरेंथस. एंटोमोफिली में बाकी सारे जितने भी हैं वो सारे एंटोमोफिली में ही आते हैं. नेक्स्ट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन. तो कैरेट में वेरी हाई होता है, तो अगर पूछेंगे हाई इनब्रीडिंग डिप्रेशन कैरेट और अनियन, तो दोनों में होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, बट ज्यादा किस में होता है, कैरेट में. कैरेट में वेरी हाई, अनियन में हाई, कैबेज, ब्रोकली, टर्निप में मॉडरेटली हाई, और टोमेटो, ब्रिंजल, पी, बीन्स, लेटस एंड कुकुरबिट्स. कुकुरबिट्स में जो होता है कोई नहीं होता, जबकि कुकुरबिट्स क्या होती है, क्रॉस पॉलिनेटेड. और जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती है उनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन ज्यादा होता है, ये उनका फीचर होता है, पर कुकुरबिट्स एक्सेप्शंस है, ठीक है. तो किसी को पता है तो कमेंट में लिख के बताओ कि कुकुरबिट्स एक्सेप्शन क्यों है और उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्यों नहीं होता है. नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन फ्रूट टाइप, ठीक है. तो पी और बीन्स में पॉड है, ओकरा, याम, स्वीट पोटैटो में कैप्स्यूल है, फ्रूट, ठीक है, नॉट एडिबल पार्ट, फ्रूट जो फ्लावर के बाद फ्रूट बनता है. टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, पोटैटो में बेरी है. कैरेट में स्कीजोकार्प है. कोल क्रॉप्स में सिलिका.
टर्नी बीटरूट में सीड वॉल, रेड टेल रेडिश में पॉड्स और एमेरेंथिस का अर्टिकल। ये भी क्वेश्चन आता है, एमेरेंथिस का जो फ्रूट है उसको क्या बोलते हैं। नाउ बेस्ड ऑन क्लाइमेक्टेरिक पैटर्न, क्लाइमेक्टेरिक क्या होंगे, जो हार्वेस्टिंग के बाद भी राइपन हो जाएंगे, पक जाएंगे, एंड द एग्जाम्पल्स आर टोमेटो, ब्रिंजल, मस्क मेलन एंड वाटरमेलन। और नॉन क्लाइमेक्टेरिक के एग्जाम्पल होते हैं कुकुम्बर, कैप्सिकम एंड चिली, पम्पकिन एंड पॉइंटेड कॉर्न। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन टेंड्रिल टाइप्स, सिंपल टेंड्रिल्स एंड ब्रांच टेंड्रिल्स। सिंपल टेंड्रिल्स के एग्जाम्पल हैं कुकुम्बर, मस्क मेलन, लॉन्ग मेलन, स्नैप मेलन, बिटर गॉर्ड एंड एश गॉर्ड। ब्रांच टेंड्रिल्स में आते हैं वाटरमेलन, बॉटल गॉर्ड, रिच गॉर्ड, राउंड मेलन, स्नेक गॉर्ड एंड स्पॉन्ज गॉर्ड। सबसे पहले सिंपल टेंड्रिल क्या होते हैं, टेंड्रिल्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो वो जो हमारे कुकुरबिट्स में ऐसे ऐसे धागा धागा सा बना होता है ना, पतला सा, दैट इज कॉल्ड टेंड्रिल। तो अब कैसे याद रखना है, ब्रांच्ड, सबसे पहले क्या है, बी, ब्रांच्ड में बी है, बी से बॉटल गॉर्ड और बी से ही, ब से ही वाटरमेलन। और ब्रांच्ड में आया आर, आर से होगा रिच गॉर्ड एंड राउंड मेलन, ठीक है। और उसके बाद टेंड्रिल्स में एस से हो रहा है ना, एस से एंड हो रहा है ना, तो स्नेक गॉर्ड एंड स्पॉन्ज गॉर्ड, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ब्रांच्ड वाले ऐसे ही लर्न हो जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा जितने भी बचे वो सिंपल है, ठीक है, कुकुम्बर हो गया, जितने भी मेलन्स हो गए। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन रूट डेप्थ, फर्स्ट इज वेरी शेलो रूटेड 15 to 30 centimeters, एग्जाम्पल्स आर अनियन, लेटस, स्मॉल रेडिश। शेलो रूटेड 30 to 60 centimeters, एग्जाम्पल्स आर कोल क्रॉप्स, पोटैटो, रेडिश, गार्लिक, काउपी। नेक्स्ट इज मॉडरेटली डीप 60 to 90 centimeters, एग्जाम्पल्स आर ब्रिंजल, कुकुम्बर, मस्क मेलन, कैरेट, बीटरूट, फ्रेंच बीन। डीप रूटेड 90 to 120 centimeters, एग्जाम्पल्स आर चिली, समर स्क्वैश, टर्निप एंड पी। नेक्स्ट इज वेरी डीप रूटेड 120 to 180 centimeters डीप, एग्जाम्पल्स आर टोमेटो, स्वीट पोटैटो, विंटर स्क्वैश एंड पम्पकिन। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन रेट ऑफ रेस्पिरेशन, वेरी लो, इट्स 5 mg ऑफ CO2 पर kg पर आर, एग्जाम्पल्स ऑफ पोटैटो, अनियन, लो इज 5 to 10, स्वीट पोटैटो, टर्निप, कुकुम्बर, कैबेज, मीडियम इज 10 to 20, टोमेटो, चिली, स्वीट पेपर, कैरेट, बीटरूट, हाई इज 20 to 40, इट्स रेडिश, बीन्स, पीस, लेटस, वेरी हाई इज 40 to 60, इट्स मस्क मेलन, वाटरमेलन, कोल क्रॉप्स, ओकरा, एक्सट्रीमली हाई इज मोर देन 60, इट्स स्पिनिश, एस्पैरगस, मशरूम, ग्रीन पीस। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन स्टोरेज लाइफ, वेरी पेरिशेबल, दैट इज इट कैन स्टोर फॉर 0 to 4 weeks, एग्जाम्पल्स आर टोमेटो, लीफी वेजिटेबल्स, बीन, पी, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ब्रुसल्स स्प्राउट्स, कुकुम्बर, रूबरम। पेरिशेबल कैन स्टोर फॉर 4 to 8 weeks, एंड एग्जाम्पल इज कैबेज। सेमी पेरिशेबल इज 6 to 12 weeks, विच इज सेलरी एंड लीक। नॉन पेरिशेबल इज मोर देन 12 weeks, एंड एग्जाम्पल्स आर बीटरूट, कैरेट, अनियन, पार्सनिप, पम्पकिन, पोटैटो, स्वीट टर्निप। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन सीड स्टोरेज, पुअर स्टोरर, इन विच सीड्स कैन बी स्टोर्ड फॉर 1 to 2 years, एग्जाम्पल इज अनियन। इंटरमीडिएट इज फॉर 2 to 3 years, एग्जाम्पल्स आर चिली, कैरेट, ओकरा, फ्रेंच बीन। गुड स्टोरर 1 इज फॉर 3 to 4 years, कुकुरबिट्स, रेडिश, बीटरूट, गार्डन पी। गुड स्टोरर 2 इज 4 to 5 years, टोमेटो, ब्रिंजल, कोल क्रॉप्स। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन सीड लॉन्गिविटी, ठीक है, उसकी वायबिलिटी कितने टाइम तक रह रही है, एक ही बात है, वो एक ही बात आ गई है, इसमें ग्रुप डिफरेंट किए हुए हैं, सो लेट इट बी। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ रेजिंग, डायरेक्ट सोन इज ओकरा, कैरेट, रेडिश, बीन्स, पी, गार्लिक, एंड इन ट्रांसप्लांटेड इट्स टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, कैबेज, कॉलीफ्लावर एंड स्वीट पोटैटो। इसको लर्न करने का क्या फंडा है, तो इसको भी याद रखना है, सीड्स जो है वो बोल्ड होंगे ना, बड़े बड़े होंगे, उनको हम डायरेक्ट कर देंगे, उनको ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जिनके बीज छोटे छोटे होंगे, अनियन के भी छोटे होते हैं, टोमेटो के भी छोटे होते हैं, ब्रिंजल के भी छोटे होते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, ट्रांसप्लांटिंग पे जाएंगे, ताकि हमारा पौधा जो है वो ज्यादा स्ट्रांग बन सके, ठीक है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो नहीं लगते हैं, उसमें सक्सेस रेट बहुत कम होता है, बट हाँ, अगर आपको ज्यादा अच्छी चाहिए तो आप ट्रांसप्लांटिंग करो उस चीज की। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन वाटर रिक्वायरमेंट, अंडर हाई कैटेगरी एग्जाम्पल्स आर स्वीट पेपर, कोल क्रॉप्स, रेडिश, रिच गॉर्ड, टर्निप, बीटरूट, पालक, एस्पेरागस, रूबरम, लेटस, सेलरी, एमेरेंथ। मॉडरेट इट्स टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, पोटैटो, अनियन, कैरेट, कुकम्बर। अंडर लो
its peas, cowpea and other beans. Very low, it's watermelon, muskmelon, pumpkin, ash gourd and vex gourd. Next is based on acidity tolerance. Under less tolerant, it's okra, onion, kohl krops and muskmelon. Under moderate, it's solanaceous, brinjal tomato chili, radish, carrots, squashes. Very tolerant, it's potato, sweet potato and rhubarb. Next is based on salinity tolerance. Less tolerant is potato, sweet potato, radish, brinjal, sweet pepper, pea, beans, snake gourd. Under moderate, it's tomato, chili, kohl krops, watermelon, muskmelon, cucumber, squashes, bottle gourd, onion. Under very tolerant, it's palak, spinach, asparagus, lettuce, kale, turnip, ash gourd, bitter gourd. Based on acid present, citric acid is in tomato, leafy vegetables, legumes and potato. And malic acid, it is present in broccoli, carrot, celery and lettuce and onion. So this was all about classification of vegetable crops. इसमें ब्रीडिंग एस्पेक्ट्स थोड़े बहुत बचते हैं तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो हम ब्रीडिंग में पढ़ेंगे मैकेनिज्म्स के साथ. This was all about today's lecture. I hope आपको समझ आया होगा और आपको हेल्प मिलेगी. Stay tuned to my channel for more such informative videos. I will try my best कि मैं ज्यादा से ज्यादा lectures और basic concept लाती रहूँ. Also, you can mail me or DM me some important topics, some concepts जिसके ऊपर मैं बात कर सकूँ. Thank you so much.